दोस्तों तो मूवी बहुत जबरदस्त थी, मैंने और शामी ने खूब एंजॉय की। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दोस्त सुफियान असलम, मेरे साथ शामी खान। आज जो हम बात करेंगे, पूरी दुनिया में जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इसी चीज़ को लेकर मैं आपको सऊदी अरेबिया के हवाले से थोड़ी बात करूंगा और अपॉर्चुनिटीज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कौन सी हो सकती हैं इसके हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। स्पेशली आई वुड लव टू टॉक अबाउट द बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड लॉलीवुड इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि अगर हम इंडिया में ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा पीक पे है ऑलरेडी। इवन फ्रॉम आवर चाइल्डहुड मेमोरीज वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज विद बॉलीवुड मूवीज, और अब पाकिस्तान में भी इसको बहुत ज़्यादा लॉलीवुड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। तो इसमें सऊदीया में इसको किस तरीके से अलाइन किया जा रहा है और यहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है उसकी बात करेंगे। तो जल्दी से आपको बता दें, आज हम आए हैं वॉक्स सिनेमा के अंदर, जो कि एनिमल मूवी आज यहाँ पर प्ले होने जा रही है और बहुत ज़्यादा इसकी धूमधाम है। इस पर थोड़ा सा रिव्यू भी एंड में दे देंगे, बता देंगे, और कुछ शामी खान की चिट चैट को भी ऐड करेंगे इसमें हम। तो दोस्तों, सऊदी अरब में जो अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के में, जो बात करें हम कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में बात की थी जो विजन 2030 के हवाले से और एक्सपो 2030 के हवाले से जो बात की थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के लग्जोरियस सिनेमाज बन चुके हैं और यहाँ पर दुनिया की पूरी दुनिया से मूवीज़, जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, इवन के लॉलीवुड की मूवीज़ भी यहाँ पर प्ले होने जा रही हैं। तो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द कैरियर टू मेक एनहेंस योर कैरियर इन द मीडिया इंडस्ट्री, तो डू कम ओवर सऊदी अरेबिया और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें दोस्तों। तो इसको अगर मैं इस चीज़ के साथ अलाइन करूँ कि अगर आप सऊदी अरब में जॉब्स के हवाले से भी आ रहे हैं बंदो, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डल प्लेस, बोरिंग प्लेस, के जहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के हवाले से कोई चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पर माशाल्लाह से डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप किसी भी सिनेमा में जाकर मूवी देख सकते हैं। अराउंड द वर्ल्ड जो टॉप मूवीज़ चल रही हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड मूवीज़ यहाँ पर प्ले हो रही हैं। तो इवन अभी रिसेंटली जद्दा के अंदर जो रेड सी का इवेंट चला, रेड कारपेट इवेंट चला, जहाँ से पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर आई हैं। हमने देखा वहाँ पर जो कैटरीना कैफ आई हैं बॉलीवुड से, हॉलीवुड के कुछ स्टार्स आए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा हॉलीवुड का इतना नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से उनके मूवी स्टार्स हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। सो द सऊदी अरेबिया इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज इंडस्ट्री फॉर द एंटरटेनमेंट। तो अगर आप मीडिया साइंसेज पढ़ रहे हैं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से स्टडीज़ कर रहे हैं, सो यहाँ पर एक नई चीज़ आपको जो है देखने और आपका कैरियर यहाँ पर एडवांस हो सकता है। तो जो भी अगर आप लोग आना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू कम ओवर हेयर। यू हैव द विजन 2030 to see, you have the expo 2030 to experience और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो अभी जानवर मूवी प्ले होने वाली है, कुछ दोस्त आए हुए हैं, कुछ इंडिया से भाई लोग, एनिमल क्या हम असल में तर्जमा करके बैठे हुए, हाँ तो जाहिर है जानवर ही हैं, क्या ख्याल है। तो भाई शाही आए हुए हैं सब लोग, ये हमारे इंडिया से भाई हैं, ठीक है। तो मूवी देखने के बाद आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका बताएंगे, सो ताकि आप लोग भी आएँ और मूवी देखें, थोड़े से दरमियान में आपको क्लिप्स भी दिखा देंगे। सो प्लीज़ गाइस, दोस्तों यार आए हो तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। किस नाम से? सुफियान असलम के नाम से, हाँ। दोस्तों तो मूवी बहुत ज़बरदस्त थी, मैंने और शामी ने खूब इंजॉय की। मूवी हाईली रिकमेंडेड है कि आप देखें लाजमी इसको। इसमें एक बाप और बेटे की मोहब्बत और उसको दिखाया गया, और बेसिकली आइडिया ये है कि अगर आप अपने चाइल्ड की ग्रोथ स्टेज पे उसकी उसको आफ्टर नहीं करते, उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, और इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स दिखाए गए हैं।
और उसमें कुछ खानदानी दुश्मनियों को भी दिखाया गया, तो इट वॉज वेरी नाइस मूवी। सो कम टू सऊदी अरेबिया, जैसे आजकल टिकटॉक पे छाया हुआ है, हबीबी कम टू दुबई, हबीबी कम टू सऊदी अरेबिया, एंड आई रिकमेंड यू हबीबी कम टू सऊदी अरेबिया, बिकॉज सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू बी द न्यू वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू बी द मार्केट लीडर इन द मिडल ईस्ट।